नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो गई। अलग अलग दलों के नेता अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, पप्पू यादव के प्रति सहानुभूति जाहिर कर रहे थे, लेकिन लोग इंतज़ार कर रहे थे कि आखिरकार बिहार की विपक्षी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी क्या कहती है। आरजेडी ने कल तो कुछ नहीं कहा, लेकिन आज बयान जारी हुआ है और आरजेडी की तरफ से ये कहा गया है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी एक सोची समझी साजिश है, एक बहुत बड़ा नाटक है जो पप्पू यादव आम जनता से सहानुभूति बटोरने के लिए कर रहे हैं। और अब पप्पू यादव की तरफ से इस बात का जवाब भी आ गया है। राजद ने क्या कहा ये तो आपको आगे बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले ये जानिए कि पप्पू यादव ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है। पप्पू यादव लिखते हैं कि लालू जी, तेजस्वी जी को धन्यवाद, आपसे यही उम्मीद थी। कोरोना काल में सद्बुद्धि मिले, कुर्सी की राजनीति बाद में कर लेंगे, अभी जिंदगियां बचाने के लिए सेवा की सियासत आवश्यक। पप्पू यादव का ये ट्वीट है, लिखते हैं कि लालू जी, तेजस्वी जी को धन्यवाद, आपसे यही उम्मीद थी। उन्होंने कहा है कि कुर्सी की राजनीति बाद में कर लेंगे, अभी जिंदगियां बचाने के लिए सेवा की सियासत आवश्यक है। और आपको याद होगा कल पप्पू यादव जब पुलिस वाले पप्पू यादव को लेकर जा रहे थे मधेपुरा, पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को लेकर कई सारी बातें कही थी। उन्होंने लालू यादव से अपील की थी कि आप तेजस्वी यादव से कहिए कि वो लोगों की सेवा करें। इतना तक पप्पू यादव ने कह दिया था कि अगर तेजस्वी सड़क पर होंगे तो पप्पू यादव की पूरी टीम, उनके पूरे नेता कार्यकर्ता तेजस्वी यादव का साथ देंगे, समर्थन देंगे और आम जनता की सेवा करेंगे। एक बार आप वो भी वीडियो देखिए कि पप्पू यादव ने कल जाते जाते क्या कहा था। मैं लालू यादव जी से आग्रह करूंगा, ये वक्त एक होकर के लड़ने का है लालू जी। और आज यदि पप्पू जेल जा रहा है तो हम चाहेंगे तेजस्वी सड़क पर है, तेजस्वी खाना खिलाए, तेजस्वी वार्ड में जाए, तेजस्वी जा करके इलाज कराए, रेमडेसिविर दे, ऑक्सीजन दे। क्या तेजस्वी को आपके लोग सहयोग करेंगे तेजस्वी की इस लड़ाई में? यदि तेजस्वी सड़कों पर होंगे तो तेजस्वी जी सड़कों पर होंगे, हमारा एक एक लोग, हमारा युवा मोर्चा, छात्र और पार्टी, अपनी सेवा दल, जन अधिकार सेवा दल, यहाँ के नेता, हमारे पटना के, हमारे अध्यक्ष अपनी जमीन बेच करके खाना खिलाएंगे। आज हमारे खाने को रोक दिया गया है, यदि खाना को रोका गया तो अनिश्चित कारण मैंने खाना पीना दिन से ही छोड़ दिया। तो आपने पप्पू यादव का वो वीडियो देखा, ट्वीट में पप्पू यादव के द्वारा क्या लिखा गया है वो भी आपने देखा कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से पप्पू यादव को ऐसी ही उम्मीदें थी। आखिरकार पप्पू यादव ने ये सारी चीज़ें क्यों कही है? हमने आपको बताया कि राजद की तरफ से जो बयान आया है उसमें ऐसा कहा गया है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी लोगों की सहानुभूति बटोरने के लिए है। आपको बता दें कि राजद प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक चंद्रशेखर और प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पप्पू यादव को सरकार की गोद में खेलने का आरोप लगाया है। आपको विधायक चंद्रशेखर के बारे में पता है, मधेपुरा से राजद के विधायक हैं, पप्पू यादव के प्रतिद्वंदी रहे हैं। उन्होंने कहा है और मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि पप्पू यादव सरकार की गोद में खेलते हैं। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव और नीतीश कुमार नूरा पुष्टि करते हैं, पप्पू यादव खुद गिरफ्तार हुए हैं ताकि लोगों की सहानुभूति मिले, इसमें सरकार और पप्पू यादव की मिलीभगत है। पूर्व सांसद का चरित्र कैसा है ये किसी से छिपा नहीं है, ऐसा राजद के लोग कह रहे हैं। वहीं पर आरजेडी विधायक डॉक्टर चंद्रशेखर ने कुछ कागजात भी दिखाए और ये कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव के खिलाफ केस छुपाने का सबूत पेश किया था, लेकिन डीएम ने नहीं माना। अब उसी केस में पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया, या पप्पू यादव की सरकार के साथ सेटिंग नहीं तो और क्या है? आपको बता दें कि जेल जाने से पहले पप्पू यादव ने लालू यादव से अपील की थी, जिसका वीडियो आपने अभी अभी देखा, लेकिन राजद की तरफ से जिस
प्रतिक्रिया की, जिस रिएक्शन की उम्मीद लोग लगाए हुए थे कि आखिरकार राजद लालू यादव, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर क्या कहते हैं, वहीं आरजेडी की तरफ से मधेपुरा के विधायक को और आरजेडी के प्रवक्ता को आगे कर दिया गया और उन्होंने ये कहा कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी सहानुभूति बटोरने का बस एक तरीका है, सरकार की गोद में खेलते हैं वो, नीतीश कुमार के साथ उनकी मिलीभगत है, जानबूझकर ये सारी चीजें की गई है ताकि जनता का साथ पप्पू यादव को मिल सके, ऐसा आरजेडी कह रही है। आपका इस विषय में क्या कहना है वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।